शॉर्ट इन करके नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? नहीं, शर्ट को इन करना ये जायज नहीं है, इसलिए कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया और यह हदीस मुस्लिम शरीफ में है, उम्र तो अन अजद अला सबअत अराब व अल्ला कुफ सौबन वला शारन, मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं सात हड्डियों पर सजदा करूं और नमाज में कपड़े और बाल को उसकी हालत से न रोकूं, कफ्फे सौत और कफ्फे शार न करूं। तो ये सूरत कफ्फे सौत की है और इसमें दूसरी भी कराहत की सूरतें हैं। शर्ट में कपड़ा कितना होता है, फिर उसको इन कर लिया जाता है और कपड़े की गरज यह है कि कपड़ा पहन करके सत्र की नुमाइश न हो और सत्र औरत हो, जिन आजा को दिखाना बाइसार है वो आजा अच्छी तरह से छुप जाए। ये कपड़े की अलग है, इसीलिए आदमी कपड़ा पहनता है, वरना आदमी में और जानवर में कोई फर्क न रहे। अब ये जो पैंट और शर्ट का रिवाज अंग्रेजों से सीख करके मुसलमानों में हुआ है, उसमें शर्ट तो वैसे ही उसमें कपड़ा बहुत कम होता है, घुटनों से ऊपर शर्ट रानों से ज्यादा आगे नहीं जाती, घुटनों से काफी ऊपर रहती है, फिर उसको इन कर लिया जाता है, तो कपड़ा पहन करके भी आदमी उड़िया नजर आता है। ये उसकी दूसरी वजह कराहत है और उसमें तीसरी वजह कराहत यह है कि नमाज बहुत एहतियात का और बड़े अदब का मकाम है। अल्लाह ने फरमाया सुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ए लोगो हर नमाज के वक्त अपनी जीनत को लाजिम पकड़ो, अपनी जीनत हर नमाज के वक्त लो। कुरान ने मुसलमानों को मुखातब किया और उनको यह हुक्म दिया कि अपनी जीनत नमाज के वक्त लो। जीनत से मुराद यहां पर वो लिबास है जो मुसलमानों के साथ खास है। अल्लाह ने उस लिबास को मुसलमानों की तरफ इजाफत उसकी की और इजाफत तख़सीस के लिए है, तो कुरान का तकाज़ा यह है कि लिबास आदमी ये पहने
कि जिसको पहन करके दूसरी कौमों से मुमताज नजर आए। और नमाज में इसका हुक्म ये दिया कि नमाज गायत अदब का मकाम है, लिहाजा नमाज में अच्छे साफ सुथरे और ऐसे कपड़े जिनको जिनमें जो देखने में अच्छे भले मालूम हो वो नमाज में पहनना चाहिए। इसीलिए उलमा ये फरमाते हैं कि काम काज के कपड़ों में नमाज मकरूह है, अगरचे ये कराहत संजीही है, मैले कुचैले कपड़ों में, काम काज के कपड़ों में और कपड़ा पाक हो, धुला हुआ हो और देखने में वो कपड़ा अच्छा हो, ये कुरान ने हमको अदब सिखाया। अब ये जो पैंट और शर्ट है ये जाहिर है कि ये हमारा लिबास नहीं, अगर कि अब ये आम हो गया है, अंग्रेजों ने इसको निकाला और अब हर कौम ये पहनती है, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि ये सुलह का और नेक लोगों का लिबास नहीं है बल्कि कुफार का और फुसाक और फुजार का लिबास है, और इस ऐसी वजह से आदमी को बचना लाजिम है, और लाजिम है कि आदमी सुलह की नेकों की अल्लाह के नेक बंदों की वजह को अख्तियार करे खास तौर से नमाज में। लिहाजा ये शर्ट का मसला जो है मैंने तफसील से बता दिया, और इसमें जो इन करने किया जाता है इसमें यह नमाज मकरूह पहननी वाजिब अदा होगी, यानी उसका दोहराना लाजिम होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।